नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक देवी महिला आपको राजा बनाने वाली है। समय रहते आप जान लो कि यह देवी महिला आखिर कौन है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उसका चरण ही कुछ इतना खास है कि आपके घर में पड़ते ही आपका घर मंदिर बन जाएगा। जी दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है। तो दोस्तों, हम आपसे विशेष आग्रह करेंगे कि आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें कि दोस्तों आपने अपने जीवन काल में बहुत सारी वीडियो देखे हैं और बहुत सारे बातों को आपने जाने हैं, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए। आपको बिल्कुल ही यकीन हो जाएगा कि आखिर आपकी ज़िंदगी में वह कौन सी स्त्री है, कौन सी महिला है जो कि आपको राजा बना सकती है। तो दोस्तों, हम आप लोगों से सर्वप्रथम विनती करेंगे कि जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक लाइक अभी कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख दें। माता रानी की कृपा आपके जीवन काल में सदैव रहेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि हर एक सफल इंसान के पीछे, उनकी कामयाबी के पीछे एक ना एक औरत का हाथ अवश्य होता है। जी दोस्तों, यह बात तो आप जानते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप यह बात जानते हैं कि आपके भी जीवन काल में एक ऐसी महिला है, ऐसी औरत है, ऐसी देवी स्त्री है जो कि आपको राजा बना सकती है, आपके भाग्य उदय कर सकती है, आपके जीवन काल में वे सभी खुशियां आपको लाकर दे सकती है जिनकी आप कामना करते हैं। जय दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले कुछ ही समय में, अगले 24 घंटों में, अगले 36 घंटों में आप शिविर जीवन काल में यह घटनाएं घटित होने वाली है। आप तो यह बात जानते हैं कि ईश्वर हमारे कर्मों को देखकर हमें फल देते हैं, भले ही वो साक्षात ना आए, लेकिन दोस्तों किसी न किसी रूप में हमें अपना परिणाम अवश्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह समय भी माता रानी के आशीर्वाद से यह एक देवी स्त्री आप शिविर के जीवन काल में आने वाली है जो की आपके जीवन को बिल्कुल ही पूरी तरह बदल देगी और आपके जीवन काल में आपको हर प्रकार की समस्याओं से भी छुटकारा दिलाने वाले साबित होंगे और विकट परिस्थितियों में आपका साथ देने वाले साबित होने वाले हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दें कि दोस्तों आप इस स्त्री की पहचान कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह स्त्री आपके आस पड़ोस के भी हो सकते हैं जो कि आपसे अच्छी तरह से बात करते हैं, आप उनकी बातों में कभी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन दोस्तों आप अगले 24 घंटों में या फिर अगले 36 घंटों तक आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि कौन सी ऐसी देवी स्त्री है, कौन सी ऐसी अच्छी स्त्री है जो कि आपके मन में, आपके विचार में हमेशा पॉजिटिव ही बातें शेयर करता है, कभी भी पूरी भावना से आपको कोई कार्य नहीं कहता है, जिससे दोस्तों उनके मन में भी लोभ ना हो, उनके मन में आपके लिए बहुत ही अच्छा प्यार हो। ऐसे जो भी स्त्री है दोस्तों, तो दोस्तों आप उन्हें यह समझ सकते हैं कि वही स्त्री है जो कि आपको राजा बना सकती है। दोस्तों, अगर आप कारोबारी हैं तो दोस्तों कारोबार में भी कोई आपका असिस्टेंट हो सकता है या फिर योग हैं, आपके ग्राहक हो सकते हैं। इस प्रकार की जो भी स्त्री आपके समीप आ रही है, आपसे अच्छी बातें कर रहे हैं, बुरे भावना से आपको देख नहीं रहे हैं, तो दोस्तों आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि वही स्त्री है जो कि आपको राजा बना सकती है। जी दोस्तों, और आने वाले 36 घंटों में आपको यह स्त्री मिलने वाली है। जी दोस्तों, तो दोस्तों अगले 36 घंटों के अंदर आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखनी चाहिए, कौन कौन से परिवर्तन आप शिविर के जीवन काल में होने वाले हैं, यह सब जानना भी आप शिविर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होंगे। तो दोस्तों, आगे भी वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम आपके जीवन काल में आने वाले 36 घंटों में जो जो भी बदलाव होने वाले हैं, यह स्त्री आपको कौन से क्षेत्र में मिलने वाले हैं, कौन कौन से बड़े बदलाव आप शिविर के जीवन काल में होने वाले हैं, घर के माहौल में, पारिजन में, प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या सुधार होने वाले हैं, इन्हें सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण बात से जो कि आने वाले 36 घंटों में आपको बहुत ही ज़्यादा कामयाबी दिलाने वाले साबित होंगे, इस स्त्री को पहचानने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। जय दोस्तों एक उत्तम और परिपूर्ण संबंध कोई नहीं होता उनके लिए मात्र एक दूसरे को उनकी सभी विचित्रताओं और आदतों के साथ अपनाया जाए, प्रेम किया जाए, उनके साथ समय बिताने की कोशिश की जाए और एक दूसरे की अहमियत और सम्मान किया जाए, तो ऐसा संबंध स्वयं ही परिपूर्ण और प्रेम से भर जाता है। संबंध को प्रगाढ़ और उत्तम बनाने के लिए कोशिश दोनों ओर से की जानी चाहिए। जी दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो या बातों को आप समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वही दोस्तों के साथ बात करते हैं कि आने वाले 36 घंटों में यह एक देवी महिला आप शिविर के जीवन काल में क्या क्या बदलाव करेंगे।
दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए सोच विचार और आत्मनिरीक्षण करने का समय होगा। आपको बता दें कि यश में अचानक ही कोई असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। आप अपनी कुशलता और समझदारी द्वारा सुखद परिणाम भी प्राप्त करने में इसमें सक्षम रहेंगे। फोन द्वारा भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी इसमें आपको प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों ध्यान रखें कि अहम और अति आत्मविश्वास आप पर हावी ना रहे। घर में भी भाइयों के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद संभव है, परंतु आप अपनी समझदारी व फिर अपने व्यवहार कुशलता द्वारा उसे निपटाने में भी जो है सक्षम अवश्य रहेंगे। इसके साथ दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों दिन की शुरुआत में ही किसी अटके हुए काम के बारे में प्रगति वाली खबर मिलेगी, जिसकी वजह से आप पर बना तनाव भी इसमें कम रहेगा। लेकिन दोस्तों खुद को तनाव मुक्त रखने के लिए विचारों में बदलाव लाने की अति आवश्यकता होगी। खुद पर विश्वास रखें, बातें अभी आपके पक्ष में ही होंगी, लेकिन जरूरत से अधिक वक्त लगने की वजह से मन में चंचलता भी बढ़ सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए उत्तम समय भी होगा। स्थान परिवर्तन की कोई योजना कार्य रूप में परिणित हो सकती है। दोस्तों आय के नए स्रोत इसमें बनने वाले हैं तथा आर्थिक स्थिति भी इसमें आपकी बेहतर होगी। आपको बता दें कि किसी नजदीकी मित्र की सलाह आपको कई परेशानियों से राहत दिलवाने वाली है। तो दोस्तों यश में मित्रों की आप सलाह पर विश्वास कर सकते हैं। इसके उपरांत किसी महत्वपूर्ण कार्य में पारिवारिक वरिष्ठ सदस्य की सहमति अवश्य लें। ध्यान रखिए कि कोई भी अनुचित कार्य आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, साथ ही अपमानजनक स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। और इसके साथ दोस्तों यश समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आपका मनमौजी स्वभाव दूसरों के लिए तकलीफदायक हो सकता है। नए मित्रों के साथ परिचय बढ़ाने की आवश्यकता होगी, जिसके द्वारा आपका निजी भविष्य में फायदा भी हो सकता है। व्यापार में संबंधित बातों को रिस्क लेने से पहले अपनी क्षमता को परखना आपके लिए आवश्यक होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों परिस्थितियाँ अनुकूल है। समय की कीमत और महत्व का आज इसमें आपको सम्मान करना चाहिए। आपको बता दें कि यश में आपको कोई अवश्य नई उपलब्धि हासिल होगी। भूमि जायदाद से संबंधित कोई भी अहम काम भी यश में संपन्न हो सकता है। आध्यात्मिक कार्यों में भी आपकी यश में रुचि रहने वाली है। इसके साथ दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए किसी प्रकार की यात्रा करने से बचें, क्योंकि दोस्तों इनसे कोई भी लाभ होने की संभावना उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। किसी भी कार्य में इसमें करने से पहले उन पर सोच विचार कर लें। व्यक्तिगत लाइफ में हस्तक्षेप किसी के ना करें, अन्यथा बिन बात के कुछ रिश्ते में खटास हो सकते हैं। इस पर आपको इसमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों इस समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण काम आपके पूरे होने के कारण थोड़ी राहत भी आपको महसूस होगी। आगे के काम की योजनाएँ बनाते समय आपको मन को शांत रखने की आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि भविष्यकाल से जुड़ी बातों की अधिक चिंता करने से वर्तमान में हो रही सकारात्मक बातों की तरफ से आप अपने ध्यान को नहीं दे पाएंगे। आपको बता दें कि मिल रही परिस्थिति का पूरा आनंद लेने की यश में आप कोशिश करें, क्योंकि यह परिस्थिति आपके भविष्य के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि साबित होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास करना आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल बनाएगा। संपत्ति के बंटवारे संबंधी कोई कार्य भी यश में किसी की मदद से हल हो सकता है। संतान के करियर और शिक्षा संबंधी किसी चिंता का समाधान आपको राहत देगा। और इसके उपरांत यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि भावुकता और उदारता में लिए गए निर्णय नुकसानदेह रहेंगे, इसलिए अपनी इस कमजोरी पर विजय हासिल करना यश में आपके लिए जरूरी होगा। अत्यधिक गुस्सा आपके लिए आपके स्वास्थ्य और कार्यों का हानि कर सकता है, तो धैर्य बनाकर रखें। ये आपके लिए यश में अति आवश्यक होंगे। पैसे के मामले में किसी के द्वारा आपको फंसाने का डर भी सता सकता है। पैसे से जुड़े डर को अधिक महत्व न देते हुए ठीक से व्यवहार करने पर अधिक ध्यान देने की यश में आपको आवश्यकता होगी। आपके नरम स्वभाव का कोई गलत फायदा भी यश में उठा सकता है, इसलिए दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए खुद के लिए सही वक्त पर खड़ा होना आपको यश में सीखना होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में व्यापार में नई पार्टियों तथा नए लोगों के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए धोखाधड़ी होने की आशंका लग रही है, इसलिए यश में आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। किसी को भी पैसा उधार ना दें और ना ही कहीं पर यश में निवेश करें, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से इसमें आपको बचना होगा, ये आपके व्यापार के लिए इसमें बेहतर होंगे।
और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए जिसमें होंगे आपको बता दें कि सरकारी सेवारत व्यक्तियों के लिए भी प्रमोशन के योग बन रहे हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि वो व्यवसाय के परेशानियों को अपने पारिवारिक जीवन पर हावी न होने दें। युवाओं की दोस्ती प्रेम संबंधों में यश में तब्दील हो सकती है, जो कि आपके लव लाइफ के लिए काफ़ी बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, इससे आपसी संबंध और अधिक बेहतर और मजबूत होंगे। और इसके उपरांत आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि अंत में आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। महिलाओं अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक रहें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर होंगे।